अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सबसे पहले आपको ईद का दूसरे दिन बहुत बहुत मुबारक हो। होपफुली आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो आज ईद का दूसरा दिन है और उसके लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या पहनने लगी हूँ, तो उसके बाद फिर तैयार होते हैं और फिर चलते हैं बाहर घूम शूम के आते हैं, क्योंकि छोटी ईद पर घर में तो इतने काम होते नहीं, सब घूमने वाले ही काम होते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जी। तो हम जा रहे हैं एक दावत में, तो उसके लिए मैंने इस फ्रॉक को चूज़ किया है। इतना ये है इसका घेर, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेबी पिंक कलर में, और उसके साथ मैंने ये वाला कंट्रास्ट करवाया था, मजंडा कुछ ऐसा शॉकिंग पिंक कलर है। और ये इसका गला बना हुआ है, और इसके स्लीव्स के ऊपर सिर्फ इस तरह की ये लगवाई थी, हाँ ऐसे। और उसके बाद जो है ना, बाकी सारी टोटल प्लेन है। और दामन में ये लगा दिया था पैच, इसके बैक साइड पे लगाई थी, नहीं बैक साइड पे सिर्फ जिप लगी हुई है। और साथ है जी इसका ऑर्गेन्जा में दुपट्टा। तो अब मैं इसको पहनती हूँ। इसके साथ मैं ये पहन रही हूँ बिल्कुल मैचिंग करके, ये वाली छोटी छोटी सी झुमकियाँ, और उसके साथ ये वाली सिल्वर में वॉच, और ये रिंग, ये वाली जो है ना वो मैंने ग्लोबल विलेज से बाय की थी, तो इसको मैं इसके साथ पहनती हूँ। इसके अंदर थोड़ा गोल्डन टच भी आ रहा है, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ये पहन रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने अपना चप्पल जो है ना वो रख दी है बेड के ऊपर, क्योंकि ये भी मैंने पहना ही नहीं है, तो ये मैं इसके साथ ये वेयर करूँगी। तो चलिए मैं पहन के आपके सामने आती हूँ जी। तो फ्रॉक पहना हुआ कुछ इस तरह के लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर वाला था ये, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जूते पहनने के बाद इतने सूट नहीं किए। खैर ये दुपट्टा भी मुझे अनकंफर्टेबल सा ही लग रहा था, मुझे लग रहा था कि सिर्फ स्टॉलर ही ठीक है, बट फिर भी मैंने ले लिया। और ये झुमकियाँ, ओ माय गॉड, इतनी इस पे जच रही थी ना कि आपकी सोच है। और जी अब मुझे तो यहाँ पे गर्मी लग रही है, रूम में चलते हैं जी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि इतनी गर्मी में ये फ्रॉक जो है ना वो पहनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। रूम तक तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसी चला था, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन बाहर गए तो इतनी गर्मी के मैंने सोचा इसको चेंज ही कर लो। तो अब मैंने यही सोचा कि इसको चेंज करके, तो ये बस घर में शशके मशके जितने मारने थे मार लिए, अब इसको उतार के तो जो बाहर जाऊँगी ना, तो वो इसके लिए फिर सेकंड ड्रेस पहनूंगी। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कल मैंने आपको एक गिफ्ट दिखाया था, लेकिन उसकी जो ना बस खोल के दिखाया था, तो मैं सोच रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से कि इसके अंदर है क्या क्या। तो सबसे पहले इसका ये रिबन है, इसको ओपन करते हैं। और मैंने कल भी बताया था, जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी, इसको प्रॉपर निकाल ही देती हूँ। तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है आयशा रियास, ठीक है, और ईद मुबारक। तो इस तरह इसको ओपन करते हैं, इसमें से क्या क्या निकलता है। ये है एक ये परफ्यूम, इसके साथ स्मेल भी करती हूँ। ये परफ्यूम है, ये इतर है, ये इतर है, ठीक है। तो मैं इसको स्मेल करती हूँ, काफ़ी अच्छी खुशबू है। हाँ अब इसको एक एक करके ओपन करती हूँ सारे, पहले मैं ही नीचे रख लूँ। तो जी अब इसको ओपन करते हैं, इसकी अंदर भी है, हाँ इसके अंदर भी इतर ही है, तो इसकी चेक करते हैं स्मेल कैसी है। ओ वाह, बहुत अच्छी है इसकी भी। सो ये एक मैं लूँगी, वो ब्लैक वाला रियासत लेंगे, और ये वाला मैंने आई थिंक ऐसे ही होगा भी ऐसे ही, क्योंकि लड़कियों के तो ऐसे ही कलर्स में होते हैं। ये है जी चॉकलेट्स, और उसके ऊपर भी ईद मुबारक लिखा हुआ है। और ये है 3 और 4 चॉकलेट्स, और उसके बाद ये भी है, ऐसे ही नाम पढ़ रही हूँ, चल ठीक है रख देती हूँ। और फिर ये है, और उसके बाद है जी बारी, ये कार्ड लिखा हुआ है इस पर ईद मुबारक इस साइड पे, और दूसरी तरफ पर नोट डाउन कर सकते हैं, और लिखा हुआ है ईद मुबारक आयशा रियासत। सो अब इसको भी रखते हैं नीचे। और उसके बाद है जी ये टोपी नमाज के लिए, और ये रियासत के काम आएगी, और ये तस्बीह मेरे काम आएगी, इस पर हम अल्लाह अल्लाह करेंगे। और उसके बाद है जी ये, यहाँ से भी चॉकलेट्स निकले हैं, वो साइड पे थी मुझे पता नहीं चला जी। तो ये है जायनमाज़, और माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। अगर हम अब इस पर नमाज़ पढ़ेंगे और गिफ्ट देने वाले को सवाब जाएगा, तस्बीह भी हम तस्बीह करेंगे अल्लाह की, तो उसको भी सवाब जाएगा। सो इस तरह के काम करने चाहिए कि आपको भी सवाब मिले, आपका गिफ्ट भी हो जाए, और अगले को पसंद भी आए, तो सो नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको करती हूँ इसी तरह बंद, और इसको डालते हैं बॉक्स में डाल देंगे। और मुझे लग रहा है कि मेरे से बॉक्स में ये जाएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी इसकी तरह लगी हुई थी। इसको मैं नीचे हटाती हूँ, ये था जी मेरा गिफ्ट, और फिर ना इसको नीचे रखती हूँ, और फिर बाद में इसको रियासत ही कहूँगी कि जैसे पैक था ना, इसको पैक करके दें मुझे। तो गिफ्ट को अनबॉक्स कर लिया, और आपने देखा कि मेरा गिफ्ट, मुझे कल से ये था कि मैंने आपको अच्छे से नहीं दिखाया, तो मैं आप
आपको आज ना खोल के दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो आज के अब मतलब सब ने अपनी वीडियोस बनाई हुई थी कि हमें ईदी कितनी मिली, हमें ईदी कितनी मिली, और सब ने अपनी ईदी दिखाई। तो मुझे भी ना एक होता है, लड़कियों को होता है कि मतलब उसने दिखा दिया तो मैं पीछे रह गई। सो आज मैं भी आप लोगों को अपनी ईदी दिखाऊंगी। और उससे पहले ये बता दूं कि मैं पाकिस्तान से यहाँ पे विज़िट पर आई हुई थी, तो अब मैंने पाकिस्तान ही जाना है। सो मैं जो भी मुझे काम होता है, मतलब मैं शॉपिंग पर जाती हूँ या मुझे पैसे मिलते हैं यहाँ के, तो मैं इसको फ़ौरन कन्वर्ट करती हूँ कि पाकिस्तान में कितने रुपीज़ बनेंगे। सो आज मेरे हाथ में जितनी ईदी है उस हिसाब से, अगर पाकिस्तान के हिसाब से मैं कन्वर्ट करूँ उसको, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा ईदी है। जितनी भी लड़कियों ने ईदियाँ दिखाई है ना अपनी, उन सबसे ज़्यादा ईदियाँ मुझे मिली है। सो ये है मेरी बेटा, ये देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है जिसका, ये उसके बाद ये हाँ, और उसके बाद है ये तीन नोट, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे कितनी ईदी मिली है, और सबसे ज़्यादा ईदी मेरी ही है। और इस ईदी का मैं क्या करूँगी, कल से सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो फिलहाल तो इसको बैग में रखती हूँ। तो चलते हैं जी इस वीडियो में। अब मैं क्या करती हूँ कि ये वाला जोड़ा जो है ना वो बाहर नहीं घूम के है, बस घर में ही घूमी हूँ। कुछ गेस्ट आए थे तो मुझे इतना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है ना, मैं आपको सही में शायद ईदी कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए स्पेशली समर पे। तो मेरा दिमाग अभी ख़राब था जो मैंने इतना हैवी ड्रेस बना लिया। मतलब ये कपड़ा थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे ये भी टिक नहीं रहा था। सो अब मैं ना लोन का ही निकाल के पहनती हूँ। तो इस वीडियो को देख के तो मुझे बहुत बना के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, अब यकीन करें बहुत धूप है, बहुत धूप है। तो हम आधे रास्ते से वापस आ गए, अब हम जाएंगे इफ्तार के रोज़ा रख रख के बस दिमाग में इफ्तार ही चल रहा है। अब हम जाएंगे शाम के बाद, तो फिर हो सका तो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। सो अब क्या करती हूँ कि वीडियो को एंड नहीं करते, अब मैं दूसरा सूट जो पहनती हूँ उसकी वीडियो दिखाती हूँ। तो चलते हैं जी। जी तो फ्रेंड्स, अब मैंने पहना है ये वाला लोन का येलो कलर का फ्रॉक। तो ये वाला जो फ्रॉक है ना, ये मैं पहले समर ड्रेस कलेक्शन में आपको दिखा चुकी हूँ। और मैंने आईज़ मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया, मस्कारा लगाया है। और ये झुमके जो मैंने शीन से मंगवाए थे, झुमके कह रही हैं रिंग, वो मैंने पहने हैं। उसके साथ ये वाली रिंग और वॉच और ये बेल्ट जो है ये भी मैंने शीन से ही बाय किया था। तो ये इसके ऊपर अच्छा लग रहा था ग्रीन ग्रीन, तो मैंने इसको पहन लिया। ये बहुत जो है ना वो दिख रहा है अलग से ही, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो मैंने इसको पहन लिया और ये आपको पता है कि ये मुझे बहुत। जी तो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे दोनों ड्रेसेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आदत नहीं है ना इस तरह के पहन के चलने फिरने की। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो कल का दिन है, थर्ड डे ईद का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बने रहिए देखने के लिए उस वीडियो को, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ढेर सारी दुआएं दिया करें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ, ईद मुबारक।